Hello everyone and welcome back to my channel. It's been more than 1 month that I had posted my last video. So मैं यही बताऊंगी कि मैं इतना दिन क्या कर रही थी. सितंबर मंथ में हम सब ओडिशा गए थे और बहुत एक्साइटमेंट था क्योंकि बहुत दिनों के बाद जा रहे थे और बहुत सारा प्लान भी था कि हम पुरी जाएंगे और दूसरी कई जगह जाएंगे और उसका वीडियो बनाएंगे. फिर हम लोग ओडिशा पहुंच भी गए. मैं मेरे घर गई और वहाँ पे मेरी माँ का बर्थडे था तो वो भी सेलिब्रेट किए, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए. फिर मैं मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए मैं वहाँ पे कुछ वीडियो भी बनाई और उसे बीच में मेरे हस्बैंड उनकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हुआ तो हमारा जो भी प्लान था वो सब कैंसिल हुआ. तबीयत ख़राब होने की वजह से हम लोग घर पे ही रुके और कहीं पे गए नहीं. फिर कुछ दिन के बाद फिर हम लोग रिटर्न आ गए. फिर हम लोग रिटर्न करने के बाद फिर से मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई और इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था तो हमें उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. फिर हॉस्पिटल में हमें 1 वीक रहने के बाद डिस्चार्ज मिला और हम लोग फिर घर आ गए और सब चीज़ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा. By the grace of God, we all are healthy again with a new start, the happy mood for the upcoming festival that is Diwali. सो आज है दिवाली और हम लोग सुबह जाके फूल लेके आए हैं. यहाँ पे एक फूल का सेपरेट मार्केट होता है जहाँ पे ओनली फूल ही मिलता है. सो वहाँ से मैरीगोल्ड का येलो और ऑरेंज कलर लेके आए हैं, सेवंती और रोज़ फ्लावर लेके आए हैं. तो पहले हम माला बनाएंगे. ये हमारा जो एंट्री वे है और गाड़ी है उसके लिए सब पहले माला बनाएंगे, उसके बाद फिर फ्लावर रंगोली बनाएंगे. तो चलिए फिर देखते हैं.
मम्मा इधर देख, सो मेनी फ्लावर्स। तो हमारे कॉलोनी के जो बच्चे हैं वो हमें हेल्प करने आए हैं जो मैरीगोल्ड को रोज फ्लावर बनाने के लिए। That's it for today और I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, एंड विश यू ऑल बिलेटेड हैप्पी दिवाली। थैंक यू। Thank you.